हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं बनाने वाली हूँ केसर पिस्ता कुल्फ़ी, बहुत ही इजीली, बहुत ही जल्दी से और उन चीज़ों से जो इजीली अवेलेबल हो। तो आइए देखते हैं इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। यहाँ पे मैंने दूध लिया है, ये 4 कप है, चाय के कप से आधा कप मलाई है, शक्कर है, 4 ब्लेड स्लाइस है, पिस्ता है, केसर है और 4 इलायची यूज़ करूँगी मैं इसमें से, 6 बादाम है और 6 काजू है। मेरा दूध 1 कप से 4 कप है और आधा लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा है। अब मैंने दूध को डाला है बर्तन में। अब मैं गैस का फ्लेम ऑन करके इसको मैं गैस के ऊपर रख दूँगी। जैसे ही मेरा दूध उबल जाएगा, इसमें एक बॉईल आएगा, इसमें से मैं 2 कटोरी में दूध निकालूँगी। 1 कटोरी में मैं भिगाऊँगी ब्रेड और 1 कटोरी में मैं डालूँगी केसर। अब मैंने 2 कटोरी दूध निकाल लिया है 1 और कटोरी में। अब मैं इसमें ब्रेड के टुकड़ों को छोटा छोटा तोड़ के डालूँगी। यहाँ पर मेरा ब्रेड काफ़ी छोटा है तो मैंने 4 स्लाइस यूज़ किए। अगर आप बड़ा साइज़ वाला ब्रेड यूज़ कर रहे हो तो 1.5 यूज़ करना, एकदम ज़्यादा भी हमें ब्रेड नहीं यूज़ करना चाहिए, अदरवाइज़ वो कुल्फ़ी का फ्लेवर नहीं आएगा और वो ब्रेड जैसा ज़्यादा लगेगा। कम ही ब्रेड यूज़ करना है। अब मेरे इसमें थोड़ा सा दूध कम लगा तो मैं थोड़ा सा और दूध ऐड कर दी हूँ ताकि अच्छे से भीग जाए। अब मैं इसको सोख होने के लिए साइड में रख दे रही हूँ और बाकी दूध में मैं डाल रही हूँ केसर। केसर डाल के मैं इसको साइड में रख दूँगी। अब मेरा दूध आप देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छे से पक गया है। इसे मैंने स्लो फ्लेम पे अराउंड 3 मिनट तक पकाया। अब उसके बाद मैंने उसमें डाला है ब्रेड जो हमने दूध में भिगो के रख दिया था। अब मैं इसको लगातार मिला रही हूँ ताकि नीचे ये लगे नहीं। अब डाल के मैं कंटिन्यूसली मिला रही हूँ। अब इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ शक्कर 2.5 स्पून। शक्कर मैं इसमें 2.5 स्पून यूज़ कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैंने शक्कर डाल दिया है, शक्कर डाल के मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। उसके पहले मैंने डाला है फ्रेश क्रीम, मलाई है जो दूध के ऊपर से निकलता है, वो 1/2 कटोरी है। शक्कर और मलाई डाल के मैं इसको लगातार मिला रही हूँ और यहाँ पे मेरा गैस का फ्लेम स्लो है, हमें स्लो फ्लेम पे ही करना है। इसके पहले मैंने जो कुल्फ़ी बनाया था उसमें मैंने खोवा यूज़ किया था दूध को गाढ़ा करने के लिए, बट यहाँ पर मैं खोवा नहीं यूज़ करके ब्रेड यूज़ कर रही हूँ क्योंकि कभी कभी खोवा अवेलेबल नहीं रहता, बट ब्रेड ऐसा है जो हमेशा हमको मिलता है। अब ये भी पक गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ केसर वाला दूध। इसके पहले मैंने स्लो फ्लेम पे 4 मिनट तक पकाया था, अब मैं केसर वाला दूध डाली हूँ। अब मैं इसको और थोड़ी देर पकाऊंगी, पहले 3 मिनट फिर 4 मिनट, मेरे टोटल 7 मिनट हो गए थे। अब स्लो फ्लेम पे मैं इसको लगातार चलाते हुए और 3 मिनट तक पकाऊंगी ताकि केसर का कलर दूध में अच्छे से मिल जाए। अब 3 मिनट हो गया है लगातार पकते हुए, आप देख सकते हो इसका कलर बहुत अच्छे से आया है, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। केसर हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। मेरा कुल्फी का बैटर बनके रेडी है और मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ कटे ड्राई फ्रूट्स, बादाम, काजू और पिस्ता। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी 4 इलायची को कूट के। फिर उसके बाद मैं इसको जूम करके आपको दिखा दूँगी। ये बहुत ही सुंदर दिख रहा है, बहुत ही इसमें खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, केसर हमारे लिए बहुत अच्छा है। अब मैं इसको मिक्स करूँगी, मिक्स करके मैं इसको डाल रही हूँ ग्लास में और कुछ को डालूँगी मोल्ड में। फिर उसके बाद मैं इसको गार्निशिंग करूँगी पिस्ता केसर से और बाकी ड्राई फ्रूट से। आप भी इसे बनाइए और ट्राई ज़रूर करिएगा। उसके बाद मैं इसे रखूँगी जमने के लिए फ्रीज़र में 8 घंटे या रात भर के लिए। आप भी इस कुल्फ़ी को ट्राई करिए और बताइए आपको कैसा लगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन क्लिक करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।